इस सूरत में पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें मिल जाती है, यानी यूं लिखना या सिर्फ स्ट्रिंग का नाम लिखना एक ही बात है। सो अगर हम स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन दोनों ही स्पेसिफाई नहीं करते तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देता है। ये ऐसे ही है कि जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग करें ही ना, बल्कि स्ट्रिंग को नाम लिख के पूरी की पूरी को वैसे ही एक्सेस कर लें। ओके, नाउ वी हैव अ लिटिल चेक टू सी व्हाट वी हैव लर्नड। राइट पाइथन कोड दैट प्रिंट्स आउट Udacity, that's with a capital U. Baki character is small, hai, D-A-C-I-T-Y, but the first character is capital. Given the definition, S is equal to audacity. So, let me just copy it from here. First, kare, mere paas ek string hai, aur maine is string ko istamal karte hue Udacity प्रिंट करना है जिसमें U कैपिटल हो। तो मुझे इस स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना है। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं जी चलें Udacity प्रिंट करना है तो आप यूं लिख लें प्रिंट यूं लिख लें Udacity प्रिंट हो जाएगा। बट दिस इज नॉट व्हाट वी नीड टू डू। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू यूज दिस स्ट्रिंग S टू प्रिंट द। तो हमें इसमें से जो मतलब के कैरेक्टर हैं इस स्ट्रिंग के वो हमें यहाँ से लेने हैं, बाकी कुछ हमें ट्वीकिंग खुद करनी है। सो व्हाट वी डू इज, अब अगर हम देखें हमें ये प्रिंट करना है Udacity, लेकिन इसमें यू हमें कैपिटल चाहिए। इसके डी ए सी आई टी वाई ये कैरेक्टर्स यहाँ पे दस्तियाब हैं, ये हमें चाहिए, लेकिन ये वाले कैरेक्टर्स हमें ए और यू नहीं चाहिए, और इसके शुरू में हमें एक कैपिटल यू खुद ऐड करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं प्रिंट यू, चूँकि हमें अलग से चाहिए वो उस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, यू प्लस एस। अब एस के अंदर से हमें एक स्लाइस लेना है, तो हमें स्टार्ट लोकेशन क्या बतानी है, क्योंकि हमें डी ए सी आई टी वाई चाहिए, तो स्टार्ट लोकेशन हमारी क्या होगी, जी हाँ इट विल बी 2 0 1 2। उसके बाद कॉलन डालिए सेपरेटर के तौर पे, और एंड लोकेशन क्या होगी हमारी, क्योंकि हमें आखिर तक स्ट्रिंग चाहिए तो हम कह सकते हैं 2 3 4 5 6 7, और चूंकि हमें 7 तक चाहिए तो हम लिखेंगे 8, क्योंकि 8 लिखेंगे तो 8 से एक कैरेक्टर पहले तक की स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर सकेंगे। सो इफ़ वी प्रिंट दिस वी गेट व्हाट वी डिज़ायर Udacity। आप यूं भी कर सकते हैं कि चूंकि आपको स्ट्रिंग आखिर तक पूरी ही चाहिए तो आप एंड लोकेशन स्पेसिफाई ही ना करें, उस सूरत में भी हमें ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी मिल जाएगी, व्हाट वी डिजायर, राइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। देन देयर इज अनदर क्विज टू चेक व्हाट वी हैव लर्नड फॉर एनी स्ट्रिंग। सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग एस है और उसके आगे उसकी कोई भी वैल्यू है, जस्ट दिस सिंपली मीन्स एनी सिंबॉलिक वैल्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल देखी, विच ऑफ दीज इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एस। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और हमें बताया, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर होंगी। अब एस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। फर्स्ट करें हम अगेन हम एस की वैल्यू एक एग्जांपल वैल्यू ले लेते हैं। इस केस में हमारे पास एस की वैल्यू Audacity है, फर्स्ट करें हम इसी वैल्यू को रहने देते हैं, राइट। हम एस को प्रिंट करके देख लेते हैं, एस इज Audacity, Audacity। अगर हम ये लिखें तो क्या ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट होगा, लाइक अगर हम यूं लिखें। अब हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग का नाम लिखा, उसके आगे इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने स्टार्ट लोकेशन नहीं बताई, कॉलन डाल दिया और एंड लोकेशन भी नहीं बताई, तो क्या ये एस के बराबर होगा। आई गेस यू वुड हैव गेस्ड इट, यस इट विल बी इक्विवेलेंट टू एस, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग। व्हाई, बिकॉज जब हम स्टार्ट, अभी ये मैं आपको मिसाल में पहले यहाँ पे बताया भी कि अगर आप स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते तो ये ऐसे ही है कि आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली लिख लें, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपके पास वैसे की वैसे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, दूसरा केस है कि आप लिखें एस प्लस, यानी कंकैटिनेट कर रहे हैं, आप ओरिजिनल स्ट्रिंग लें और उसके अंदर कंकैटिनेट करें
अब ओरिजिनल स्ट्रिंग तो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर ही होगी। अब हमें देखना ये कि कंकेटिनेट हम क्या कर रहे हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा स्ट्रिंग के ऊपर। कंकेटिनेट करें एस ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो हमने स्टार्ट लोकेशन बता दी और उसके बाद हमने कॉलन डाल के एंड लोकेशन बताई है विच इज़ माइनस वन प्लस वन। अब माइनस वन और प्लस वन क्या होगा, दैट विल बी ज़ीरो। माइनस वन और प्लस वन ज़ीरो ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग का एक स्लाइस कंकेटिनेट कर रहे हैं जिसकी स्टार्ट लोकेशन ज़ीरो है और एंड लोकेशन भी ज़ीरो है। आप जानते हैं कि स्ट्रिंग हमेशा अपनी एंड लोकेशन से एक पहले तक का कैरेक्टर लेती है। तो अब अगर आप स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन सेम रखेंगे तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग खाली होगी। तो इस सूरत में आप ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर खाली स्ट्रिंग कंकेटिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की ओरिजिनल हालत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट शुड ऑल्सो बी इक्विवेलेंट। इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। एस प्लस एस ऑफ ज़ीरो एंड देन माइनस वन प्लस वन, राइट। सो दिस इज़ द सेम स्ट्रिंग और एस इट इज़ रिटर्न। इसको हम अगर यूं लिखते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो द सेम, माइनस वन प्लस वन इज़ ज़ीरो। सो इफ़ यू डायरेक्टली राइट ज़ीरो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस द सेम स्ट्रिंग। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या अगर हम यूं लिखें तो ये इक्विवेलेंट होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग के, यानी एस ऑफ स्टार्ट लोकेशन बता दी आपने ज़ीरो, कॉलन डाला और एंड लोकेशन नहीं बताई। तो इस सूरत में क्या ये स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट होगी? मेरा ख्याल है आपने इसको भी ठीक गेस कर लिया होगा कि ये स्ट्रिंग भी ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि आपने स्टार्ट लोकेशन ज़ीरो बताई तो वो ज़ीरो से रीड करना शुरू कर देगा। और एंड लोकेशन चूंकि आपने स्पेसिफाई नहीं की, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते तो उस सूरत में वो स्ट्रिंग के आखिर तक पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव अस द सेम स्ट्रिंग ऑडेसिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एस। नाउ यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द स्टार्ट लोकेशन, हाउएवर यू हैव स्पेसिफाइड द एंड लोकेशन। अब एंड लोकेशन आपने पॉजिटिव इंडेक्स की बजाय नेगेटिव इंडेक्स से स्पेसिफाई की है और हम जानते हैं कि माइनस वन आखिरी करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब भी ये बनता है कि हम स्टार्ट लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करें तो हम स्ट्रिंग को पहली लोकेशन से रीड करना शुरू करेंगे और माइनस वन यानी कि आखिरी करेक्टर तक रीड करेंगे, राइट। सो अपेरेंटली ये केस भी ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर या इक्विवेलेंट हमें नज़र आता है। लेकिन इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देयर इज अ लिटिल ट्वीक दैट यू विल सी हियर। स्टार्ट लोकेशन इज नॉट स्पेसिफाइड एंड एंड लोकेशन इज। अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग में से एक करेक्टर कम आया, जो आखिरी करेक्टर है वो ट्रंकेट हो गया, वो नहीं आया इसके अंदर। नाउ यू कैन ट्राई एंड गैस कि वो करेक्टर क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जो हम एंड लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं स्ट्रिंग उस एंड लोकेशन से हमेशा एक करेक्टर पहले तक के करेक्टर्स को एक्सेस करती है। सो यहाँ चूँकि हमने ये करेक्टर लोकेशन स्पेसिफाई की हुई है तो हम इस करेक्टर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बल्कि इससे एक पहले के करेक्टर तक हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाएंगे। सो वी हैव एक्सेस द होल स्ट्रिंग लीविंग आउट द लास्ट करेक्टर। सो ये केस ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट नहीं बनता, राइट। इट जस्ट ड्रॉप्स द लास्ट करेक्टर। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज एस ऑफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द स्टार्ट लोकेशन, यानी स्टार्ट लोकेशन से लेके थर्ड करेक्टर तक और फिर हम उसमें कंकेटिनेट कर दें थर्ड करेक्टर से लेके आखिरी करेक्टर तक, तो क्या ये स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट होगी? इसे भी आप गैस कर सकते हैं। अब अपेरेंटली अगर आप देखें तो आप ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रिंग का 0, 1, 2 इन लोकेशंस को यहाँ एक्सेस कर लें, 0, 1 एंड 2, राइट। और उसके बाद 3 से ऑनवर्ड्स आखिर तक स्ट्रिंग को यहाँ एक्सेस कर लें। अपेरेंटली ये स्ट्रिंग भी ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। हम इसको भी लिख के देख लेते हैं, एस ऑफ नो स्टार्ट लोकेशन एंड अप टू 3 एंड देन एस ऑफ 3 एंड देन नो एंड लोकेशन। तो ये भी हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कर देती है। अब इसमें एक केस ये है, मिसाल के तौर पे फर्ज करें हमारी स्ट्रिंग में एक ही करेक्टर है ए, राइट। अब अगर हम यूं लिखें तो क्या आएगा? यू सी इट स्टिल गिव्स यू ए, राइट।
सो इस केस में भी हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो गई है। अब हुआ क्या, जब हम सादा इंडेक्सिंग की बात कर रहे थे, लाइक अब आप यहाँ देखें, मैं मिसाल के तौर पे अगर वैसे एस एट थ्री लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे मिलता है एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जो सिंगल इंडेक्स जब हम लिखते हैं, यहाँ पे देखें हम रेंज नहीं दे रहे बल्कि सिर्फ एक सिंगल इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम सिंगल इंडेक्स लिखते हैं, अगर वो इंडेक्स वैलिड नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर वो लेंथ, वो कैरेक्टर, वो रेंज एग्जिस्ट नहीं करती, वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें ये एरर मिलता है दैट स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। हाउएवर जब हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं कॉलन्स के ज़रिए, स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन ना भी बताएं लेकिन कॉलन का इस्तेमाल करें, इसका मतलब हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में अगर हम आउट ऑफ रेंज भी कोई इंडेक्स बता देंगे तो एरर नहीं मिलेगा। अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, वो रेंज एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, तो हमें सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे पास एस में एक ही करेक्टर है ए, और मैं लिख देता हूँ एस ऑफ 12 to 13, आई गेट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। सो 12 भी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, 13 भी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इंडेक्स के केस में, सादा इंडेक्स जब हम लिखते हैं तो वी डू रिसीव एन एरर ऑफ द वैलिडिटी ऑफ इंडेक्स। इफ इट इज़ नॉट अ वैलिड इंडेक्स वी डू रिसीव एन एरर। हाउएवर इन केस ऑफ स्पेसिफाइंग अ रेंज, अगर वो रेंज एग्जिस्ट नहीं करती तो उस सूरत में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाती है, एरर नहीं मिलता।